नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। कई दिनों से गुना जिले के एकमात्र विधि महाविद्यालय की मान्यता को रद्द कर देने के बाद छात्र संघ डीएसओ उसके खिलाफ खड़ा है। वहीं आज एनएसयूआई पदाधिकारियों की नींद भी खुल गई और उन्होंने भी आज से प्रदर्शन जारी किया। एनएसयूआई ने आज शिक्षा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री जयवाल सिंह पवैया का पुतला दहन किया। साथ ही ये बात भी रखी कि यदि महाविद्यालय की मान्यता जल्दी बहाल नहीं हो जाती तो उसके लिए एनएसयूआई उग्र आंदोलन करेगा। समस्या परे है कि एनएसयूआई के पदाधिकारी इतने दिनों से कहां खो गए थे, जिन्हें अब अचानक महाविद्यालय में विधि संकाय की याद आई। शिक्षा मंत्री आज पीजी कॉलेज में एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा, जिसमें हमें हमारे डीएसओ संगठन का भी साथी हमारे साथ उपस्थित रहे, क्योंकि बीते कुछ समय के एलएलबी की जो मान्यता रद्द हो गई है गुना पीजी कॉलेज से, आज उसके विरोध में हमने कुछ दिन पहले पीजी कॉलेज प्रिंसिपल को भी ज्ञापन दिया था कि ये एक अन्याय जो पीजी कॉलेज के बच्चों के साथ एवं गुना के सभी बच्चों के साथ हुआ है वह अन्याय ना हो, इसी के विरोध में आज हमने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एक बड़ी दुख की बात है कि जो शिक्षा मंत्री हैं वही हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं। हम नई कुछ MBA MBBS लाना तो दूर, जो हमारे पास पुरानी LLB जो यहाँ के बच्चे करते थे पीजी कॉलेज में, जो गुना के बच्चे करते थे, जो कोर्स होता था, शिक्षा मंत्री स्वयं प्रभारी मंत्री गुना के होते हुए भी मैं मान्यता गुना पीजी कॉलेज की रद्द कर दी गई है, इसी के विरोध में आज हमने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एवं आगामी प्रिंसिपल सर को अगर 5 से 7 दिन के अंदर ये मान्यता फिर से प्राप्त कॉलेज को नहीं होती है तो कॉलेज बंद किया जाएगा और उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों की ट्रेनिंग संपन्न कराई गई, जिसमें उद्यानिकी वन विभाग एवं कृषि विभाग के मास्टर ट्रेनरों को आज ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से उनको वृक्षारोपण करना है। यहां जब इन ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो वह खंड स्तर पर ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे, जिसमें रोजगार सहायक और उन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो वृक्षारोपण में सहयोग प्रदान करेंगे। ये सभी प्रशिक्षण 5 जुलाई से पहले पूरा होना बताया जा रहा है। मिट्टी से जो गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकल रही है उसके अंदर मानक लागत, ये जब ऊपर का एस्टीमेट बन गया, अब कितने सालों की परियोजना है और कितने समय पे कहाँ कहाँ हमको क्या व्यय होना है, चीज का ये 475 श्रम दिवस जो अपनी पढ़ने की मजदूरी चल रही है उसके हिसाब से इसकी लागत कटना बढ़ना रहेगा। कटेगी तो नहीं, चारों योजनाओं में ये लागू होना जो आज का प्रशिक्षण है, ये वृक्षारोपण परियोजना जो महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत ली गई है ज़िले में, उनके लिए आज ये मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण रखा गया है। ज़िले से 2 मास्टर ट्रेनर थे हमारे, उनका प्रशिक्षण राज्य स्तर पे हुआ है और ये दोनों प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर यहाँ पे खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और ये जो आज खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर हैं हमारे, उद्यानिकी विभाग के, कृषि विभाग के और वन विभाग के, ये सभी मास्टर ट्रेनर खंड स्तर के हैं। ये ट्रेंड होने के बाद में क्लस्टर स्तर पे अपना ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और जिसमें ग्राम रोजगार सहायक सचिव और जो हमारी परियोजनाओं में प्लांटेशन की पौधरक्षक जो काम करेंगे उनको, एवं जो खेत की मेड़ पे और निजी खेत में जो प्लांटेशन होगा उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको सबको ट्रेनिंग देंगे। हमारे 43 क्लस्टर हैं, इन सभी 43 क्लस्टर में 5 जुलाई के पहले ये सारे प्रशिक्षण। आज ये कहाँ कहाँ की थी? आज जिला पंचायत गुना में 3 ब्लॉक की यहाँ पे ये ट्रेनिंग है, आरोन, बमोरी और रावगढ़ की है। और द्वितीय प्रशिक्षण हमारा चल रहा है जनपद पंचायत गुना में, जिसमें चाचौड़ा एवं गुना दोनों विकासखंड शामिल हैं। इंदौर क्रिकेट एकेडमी के कोच आज गुना में दे रहे प्रशिक्षण। सौरभ रघुवंशी के द्वारा चलाए जा रहे क्रिकेट क्लब में इंदौर स्टार क्लब के कोच पहुंचे। इसके साथ ही BCCI के कोच भी गुना पहुंचे। गुना में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बैटिंग एवं बॉलिंग के गुर सिखा रहे हैं। वहीं कोच दिलीप की माने तो गुना के बच्चे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं।
हम इंदौर से स्टार क्रिकेट क्लब जो हमारा ए ग्रेड का क्लब है, हम हर साल यहाँ 2-3 वनडे खेलने के लिए आते हैं। सौरभ रघुवंशी जो यूथ क्रिकेट क्लब यहाँ जो चलाते हैं, काफ़ी अच्छे चलाते हैं और अच्छे प्रतिभावान लड़के उनके यहाँ से निकल रहे। आज भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी उन लोगों ने और हम लोग जो है यानी कल के दिन भी एक वनडे खेलेंगे और इन बच्चों को कुछ हम बैटिंग के गुर बॉलिंग के गुर सिखाते हैं और काफ़ी अच्छा क्रिकेट यहाँ पे होता जा रहा है। इसमें सौरभ का काफ़ी अच्छा हाथ है और दिन रात लगे रहता है बच्चों के लिए और मैं टीम का कोच हूँ इंदौर स्टार क्लब का। हाँ, इंदौर डिवीजन का अंडर 14 टीम का कोच भी रहा हूँ और फिलहाल स्टार क्लब का कोच बन के यहाँ आया हूँ। मेरे साथ मैनेजर सुमित भाटी है जो BCCI के स्कोरर भी है। मैं पहली बार गुना आया हूँ। सौरभ भगवान जी जी के यूथ क्रिकेट क्लब की तरफ से हमने मैच खेलने और हम इंदौर की टीम लेके आए स्टार क्रिकेट क्लब की और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। इतना अच्छा मैच हुआ है, सामने यूथ क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बड़ा अच्छा लगा। गुना के प्रतिभाशाली खिलाड़ी बड़े शहरों की तर्ज पर सीखेंगे क्रिकेट। संजय स्टेडियम में बनाया गया टॉप क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जो बड़े शहरों में किसी खिलाड़ी को दी जाती हैं। आयोजकों की माने तो यहाँ पर हर वर्ष बाहर से कोच बुलाए जाते हैं जो यहाँ के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही बॉलिंग मशीन आ जाने से बच्चों को क्रिकेट खेलने में और भी आसानी होगी। इसके साथ ही संजय स्टेडियम में बच्चों को वो सभी उपकरणों से ट्रेनिंग दी जाएगी जो बड़े शहरों में कराई जाती है। टर्फ विकेट का निर्माण यूथ क्रिकेट क्लब की नेट्स में करा जा रहा है और हम इस विकेट के निर्माण के लिए श्रेय देंगे हमारे अध्यक्ष क्लब के अध्यक्ष श्री सुटाई रघुवंशी जी को, जिन्होंने हमें क्लब के लिए काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं और क्रिकेट के लिए हमेशा आगे रहते हैं, हमें सहयोग करते हैं। और हमारे अध्यक्ष साहब का कहना है कि बारिश के बाद बहुत ही जल्दी यहाँ पर बॉलिंग मशीन जो कि गुना में पहली बॉलिंग मशीन होगी उसको भी लाने के प्रयासरत रहें और बहुत ही जल्दी यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों को बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और बच्चों के लिए आप और क्या नया करने की कोशिश कर रहे हैं आगे से? आगे के लिए सर हम यहाँ पे हर साल नए कोच बुलाते हैं, बाहर से रणजी ट्रॉफी प्लेयर बुलाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दें सिखाएं, पिजनलिस्ट बुलाते हैं और बच्चों को अच्छी से अच्छी टिप्स देते हैं। सारे इक्विपमेंट नए जो क्रिकेट में MPCA में BCCI में चल रहे हैं, सारे इक्विपमेंट यहाँ उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। और बॉलिंग मशीन के आने से हमारे क्लब का और भी और बच्चों का और भी भविष्य आगे सुधरेगा। मतलब हाई लेवल की क्वालिटी, हाई लेवल की क्वालिटी हम यहीं जो बच्चों को इंदौर भोपाल दिल्ली मुंबई में मिलती है वो हम यहीं फैसिलिटी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे क्लब के अध्यक्ष श्री सुनील रघुवंशी जी का बहुत हाथ है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं सिखा पा रहा है यातायात विभाग गुना के रहवासियों को चलने का तरीका। हनुमान चौराहे पर लाखों की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल के बावजूद लोग बेतरतीब तरीके से अपनी गाड़ियां वहां से निकालते हैं। ऐसे मंजर गुना में देखे जाना बहुत ही आम है। हनुमान चौराहे पर जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं वहाँ पर कैमरे भी लगे हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि गाड़ी नंबर प्लेट तक नोट की जाती है, तो फिर उन गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जो सिग्नल तोड़कर भागते हैं? यहाँ पर दोपहर के समय लोगों को इतनी जल्दबाजी होती है कि जिसको जहाँ से जगह मिलती है वहाँ से निकल भागता है, चाहे यातायात सिग्नल लाल हो या हरा। आज हमारे कैमरे में कुछ ऐसे ही मंजर कैद हुए। चौराहे पर नगर पालिका द्वारा निर्मित की गई दूसरी मंजिल पर नवीन दुकानों को नशा करने वालों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आज जब हमारा कैमरा वहां पर पहुंचा तो देखा वहां पर नशे की दवाइयों की खाली बोतलें एवं इंजेक्शन आदि पड़े थे, जिसे देखकर एक बार में समझ आ गया था यहां पर कुछ लोग नशा करने वाले आते हैं। नगर भवन के सामने बन रही दुकानों के पास ही बनाए गए कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर कुछ दुकानें बनी हैं जिनकी 2 बार नीलामी भी हो चुकी है लेकिन पूरी नहीं हो पाई।
इसके साथ ही इन दुकानों को नशे के कारोबारियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज जब वहां पर पहुंचे तो नशे की खाली शीशियां एवं इंजेक्शन काफी मात्रा में देखने को मिले। समझ में आ रहा था कि चौराहे पर इतने लोग होते हैं कि कोई भी समझ नहीं पाएगा कि यहां पर कोई नशा करता है। मिशन फॉर रिजर्वेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत के अंतर्गत नगरीय विकास योजनाओं जैसे शहरी लोक परिवहन पार्कों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने इंदौर से किया। इस मौके पर गुना कलेक्टर विजय दत्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल नगर पालिका की ही नहीं आमजन को भी नगर पालिका का सहयोग करना चाहिए जिससे नगर और भी स्वच्छ बना रहे। इसके साथ ही अपने उद्बोधन में गुना विधायक पन्नालाल चाक ने बताया कि स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी जिसकी घोषणा उन्होंने लाल परेड ग्राउंड से की थी उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए बल्कि इसका श्रेय गुना के हर मतदाता को जाना चाहिए। साथ ही अपने उद्बोधन में विधायक ने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल भी बांधे। इसी के साथ आज गुना से गाँव को जोड़ने के लिए बसों का संचालन भी शुरू हो गया। खुशियों की जलधारा भरने के लिए आप मध्य प्रदेश की राजधानी से दूर राजगढ़ में पधारे। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगढ़ की जनता को संबोधित किया ताकि विकास कार्यों की छड़ी मोहनपुरा जैतदाल का माला करते स्वागत करने का व्यक्त करें। कमी महसूस की जाती थी कि गुना में परिवहन के मामले में कोई इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी जो सरकार द्वारा संचालित। हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया आज ऐतिहासिक दिन है गुना के लिए, खास करके क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी जो मध्य प्रदेश में राजगढ़ में और इंदौर में कार्यक्रम कर रहे हैं और इंदौर से सीधे प्रसारण में हमारे शहर के दो मुख्य प्रोजेक्ट पार्क जो बने हुए 28 पार्क में से पहला है और साथ में जो सिटी बस है इसमें जैसे हम शुरू हुआ है और हमारा शहर है हमें को मिलजुल के विकास करना है। आप सभी को माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन में सभी को आह्वान किया था उसी तरह से नगर पालिका आपसे अनुरोध करता है कि आप शहर के साफ सफाई में अपना योगदान दें, उसको स्वच्छ रखने में खासकर के बस स्टैंड और सामूहिक स्थानों को स्वच्छ रखने में अपना पूरा योगदान दें। और आगे भी गुना में जो काम शुरू हुआ है स्मार्ट सिटी का, पूरे प्रदेश में 6 स्मार्ट सिटियों की घोषणा की गई है जिसमें गुना उनमें से एक है। हम उसमें एक वाकई में एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अच्छे रोड्स के साथ स्मार्ट सिटी का हम अच्छा सा काम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और आप सभी लोगों को धीरे धीरे बताएंगे और आपका भी उसमें सहयोग और सुझाव लेके हम काम करेंगे। इसी से हम आज के जितने यहाँ पे अतिथि हैं सभी को हम धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। आपके नए बस सर्विसेज हैं इसको आप अच्छे से चलाएं और यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद। मंशा है कि गुना सुंदर बने, गुना स्वच्छ बने। उन्होंने बाड़ों में जाकर परीक्षण करना देखना शुरू कर दिया है लेकिन जो खाली प्लॉट पड़े हैं कचरे के तो मेरा जनमानस है और जब बुद्धिजीवी लोग बैठे उन सब से निवेदन है वो एक पाठ ध्यान में रखे कि जाके प्रिय न राम बैदेही तजई ताई कोटि बैरी सम जगतपि परम समी। जिसके मन में भारत के प्रति अगर लगाव नहीं है तो उस महान व्यक्ति को, उस महान पुरुष को, उस सम्मानीय नागरिक को ये चाहिए कि वो ऐसी राजनीतिक पार्टियों से संबंध विच्छेद कर दे। जिसको भारत से प्रेम नहीं है उसे चाहिए कि वो उस पार्टी से संबंध विच्छेद कर दे, अन्यथा 70 साल क्यों लग गए हमको। आज भी हम प्राथमिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या सबके हाथ बंधे थे क्या इसके पहले? मैं 2014 में चुनाव में गया था
अरे वो गाड़ी जो मेरी जाती थी ना चुनाव प्रचार के लिए, तो वो गड़ारों में ऐसे टंग जाती थी। अब मैं परेशान, मेरे को कुछ जानता भी नहीं था, चुनाव में आप सबने मुझे सहयोग कर दिया, तो मैं गांव के लोगों को बुलाता रात में, भैया मेरी गाड़ी भर के ही जाए, निकलवा दो। आज वो स्थिति नहीं है गुना विधानसभा में, मोटरसाइकिल पे बैठो और गाड़ी में जाओ, आपको कहीं अवरोध नहीं मिलेगा, सब जगह रोड बन गई है, रोड़े बन गई है। तो ये सब अपने जनमानस की मांग का परिणाम है। जनमानस को पहले भी मांग रखता था, पर पता नहीं अपने वो प्रतिनिधि कितने संस्कारित थे या कितने असंस्कारित थे, उन्हें करना था कि नहीं करना था ये वो कर चुके और छोड़ गए। इसके क्रम में मैं एक बात निवेदन करूंगा, जो व्यक्ति जमीन से उठ के आता है उसको जनता की पीड़ा दिखती है, जनता के प्रति काम दिखते हैं कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। ऐसा ही एक महामना चंद्रगुप्त ने जमीन से उठाकर, सड़क के व्यक्ति को उठाकर, जमीन की धूल के उस काम को उठाकर भारत के सिंहासन पर चंद्रगुप्त के रूप में बिठा दिया था, और उसने इस देश को अखंड बनाया। किसी की निगाह नहीं पड़ी कि टेढ़ी निगाह से भारत की तरफ देख सके, ये था जमीन का व्यक्ति जुड़ा हुआ, जिसने देश की जनता की पीड़ा समझी और सुशासन स्थापित किया। ऐसा ही विक्रमादित्य था, और ऐसे ही वर्तमान में सड़क के चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। जन्मजात कोई वो विरासत में नहीं मिली उनको ये सत्ता, ऐसे ही माननीय शिवराज जी हैं, उनको भी विरासत में नहीं मिली ये सत्ता, जनता ने उनको दी है और जनता के हित में ये सत्ता हम करेंगे। जो एएचपी है वो बहुमंजिला सस्ती कीमत में उन्हें उपलब्ध होता है मकान, 3 लाख सरकार की तरफ से मदद होती है। माननीय अब हम चल रहे हैं छिंदवाड़ा, और वहाँ पे कुछ हितग्राही जो है जिसके तहत गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ से जो कचरा जमा हुआ करता था वो अब नहीं रहता है, घर घर गाड़ियाँ आती हैं और अपना कचरा ले जाती हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो फायदा है कि जो नालियों में कचरा रहता था वो अब जमा नहीं रहता है। स्वच्छता के साथ साथ सजावट पूरी तरह से जी, प्रणाम आदरणीय। डीजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।